नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो मेरे पीछे खड़ी है करतार चार, जो कि बड़ी वाली कंबाइन आती है, यानी 14 फीट से ऊपर इसकी कतार है। तो इसका रिव्यू, फर्स्ट रिव्यू हम लोग देखेंगे। अभी ये नहीं ही है, यानी एक सीज़न, पिछले सीज़न धान की कटाई की है। तो चलिए इसका एक रिव्यू हम लोग देखते हैं, कैसे ये मशीन है, कैसी मशीन है, कैसे काम करता है और कैसे इसे चला जाता है, क्या इसका रिस्पॉन्स है, कैसे हाल है, यानी टोटल हम लोग प्रोसेस इसका देखेंगे। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करतार के बारे में, करतार 4000। तो फ्रंट ऑफ व्यू, यानी सामने से कुछ ऐसा लुक है और काफ़ी हाइट इसकी, हाइट जो है समथिंग इसकी पड़ जाएगी आपकी 16 फीट से ऊपर इसकी हाइट होगी हमारे अंदाज़ा से। और टायर भी आपकी बड़ी वाली, यानी 18-4-30 की टायर आती है, जैसे 16 ट्रैक्टरों में आता है 16 का, ठीक है, 16-4-28 का आता है, लेकिन इसमें जो है 18-4-30 का है। और आगे से आपका कुछ लुक यूँ है करतार 4000 का, पैचिंग प्लस इसके बाद कई ठो आपके हेडलैम्प मिल जाते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए आपके जो कटर है, 14 फीट का कटर उठाती है, तो यहाँ पे आके सेट होता है। यहाँ पे गुल्ली देख रहे हैं ना, इसी में आके फंसा के आपका सेट हो जाता है। सामने से कुछ ऐसा है लुक, और फ्रंट ऑफ व्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ऊपर ड्राइवर का एक ही सीट है और एक है इधर जो है ऑपरेटर का सीट है। इससे टोटल आपका कंट्रोल किया जाता है एकदम फ्रंट ऑफ व्यू से। इधर जो है आपका बेल्ट टाइट अप करने वाला है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो है बहुत सारे इसमें भी बेल्ट हैं, अंदर से कुछ लुक ऐसा है। और यहाँ पे देखिए आपका जो है हाइड्रोलिक जैक है, जिससे आप कटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जो है आपका ना, ये लॉकर है, जैसे सड़क पे आप चला रहे हैं तो इसे लॉकर को लॉक कर देंगे, ना कर देंगे तो आपका हाइड्रोलिक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। बाकी जो है आपका ये भी सेम जो छोटे वाला हार्वेस्टर होता है, वही प्रेशर जैक, इसमें प्रेशर पाइप आपका लगता है, प्रेशर हाउस इसका। नीचे से आपका कुछ लुक यूँ है। टायर आप देख सकते हैं, तो टायर जो है आपका ना, MRF का टायर है और 18-4-30 का इसमें टायर बड़ा वाला लगा हुआ है। पीछे एक छोटा है, फोर व्हील ड्राइव में नहीं है, सिंगल ड्रिप में। और क्रॉप क्रूज़र इसका नाम है, करतार 4000 क्रॉप क्रूज़र। पीछे जो है आपका कटर है और कुछ यहाँ पे जो आपका धान, गेहूँ, सरसों अनलोडिंग करने वाला जो आपका पाइप गया, एक्सटेंशन पाइप। ऊपर से चढ़ने के लिए यहाँ से आपको इसको मशीन को खोलना पड़ेगा, तब आप ऊपर केबिन में चढ़ेंगे। सही रहा कुछ आगे का लुक। तो यहाँ से जो है आपका सीढ़ी है ना, चढ़ने के लिए ऊपर केबिन में, इधर देखिए यहाँ पे जो निप दिया है ना, इसको आपको ऊपर करना है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये सीढ़ी नीचे आ गया, अब इससे आप इस पे केबिन में चढ़ सकते हैं। अरे भैया देखिए, और काफ़ी पत्तियाँ आके गिर गई है ना, बारिश भी हुआ है तो बारिश से बहुत ज़्यादा गंदा, ऊपर से जो है फूल गिर रहा है, कचड़ा लग रहा है। सामने से आप बैठेंगे तो कुछ फ्रंट आपका यू दिखेगा। और यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक जो है क्लच है, और सभी गाड़ियों की तरह दाहिने पैर से आपको जो है ब्रेक मिल जाएगा। स्ट्रेनिंग आपका यहाँ पे है, और ये जो है आपका हॉर्न भी है और डीपर भी है, हॉर्न डीपर सब है। बाकी यहाँ पे जो है आप देखिए इसका RPM मीटर और गर्म करने वाली यहाँ पे। बाकी इधर जो है आपका जो सब सिस्टम है, यानी कई सा बहुत ज़्यादा ताम झाम है। न्यूट्रल में आपका बीच में 3 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे जो है 1 नंबर आपका लगेगा, रिवर्स लगेगा, इसमें से 2 नंबर और 3 नंबर, और बाकी इस लीवर से इस लेटर इंजन RPM देखिए यहाँ पर लिखा है, इंजन RPM यहाँ पर है। बाकी ये जो है लाइट के लिए, 1 2 3 4 5, यानी जितने आपके नीचे लगे हैं सब लाइट के लिए है। बाकी यहाँ पे RPM मीटर है, 3000 RPM मीटर इसमें भी है। बाकी इससे देखिए हाई लो, और बीच में जो आपका चेंजर है, यहाँ पे जो है कटर का ये वाला जो है आपका लीवर अप डाउन करने के लिए, नहीं कटर उठाने और नीचे करने के लिए है।
नीचे आपके सब पंप लगे हैं, उससे आप कटर अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है रील अप डाउन, बाकी हाई लो सब यहाँ पे ट्रांसमिशन आपका लिखा गया है। यहाँ पे जो है ना, जो आपका थ्रेसरिंग का होता है चक्कर राउंड कम करने के लिए, जैसे आप इसको राउंड कर देंगे तो कम हो जाएगा। बाकी ऑपरेटर के बैठने के लिए सीट वहाँ पे है, दाहिने साइड में बैठ कर ऑपरेटर आपको बताता है। और पीछे जो है इसकी इंजन, दमदार इंजन आपको वहाँ पे देखिए सबसे ऊपर इसकी इंजन है। और यहाँ पे देखिए जो है बास्केट लीवर है, बाकी ये जो है डिस्चार्ज लीवर है, कटर लीवर, कटर बार लीवर, फ्लैट लीवर, और इसके बाद इंजन बंद करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बटन आपका रेड कलर का, देखिए इंजन स्टॉप, इतना सब है। और इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्टैंड यहाँ पे, तो उसको बंद करने के लिए है। आप यहीं से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और लाइट जो है बहुत सारी आपको लाइटें मिलेंगी चारों तरफ हेडलैम्प, यानी ट्रैक्टर वाले हार्वेस्टर की तरह ना आपको इसमें लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी चारी ओर आपको लाइट लगाती है। और इंजन देखिए इसकी दमदार इंजन, इंजन जो है ना आपकी बहुत दमदार है, 101 HP की है जो आपका इसका दमदार इंजन है। अशोक लेलैंड का इसका इंजन है और H सीरीज की ये इंजन है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा ही आपका जो रेडिएटर है, ऊपर से आप एक लोग इंजन का यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियोस काफ़ी बड़ा होगा तो उससे आप लोग फर्क ना कीजिएगा। बाकी यहाँ पे छत इंजन के ऊपर आपका बनाया गया है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फोरमैन के लिए इसमें सब अपना मटेरियल रख सकते हैं, यानी बक्सा ये कंपनी दी है। और ये जो है आपका फ्यूल टैंक है, हमारा जो फ्यूल टैंक जो है आपकी 207 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और यहाँ पे जो आपके सामने कटर है, बाकी इंजन को एक बार और देख लीजिए, अशोक लेलैंड का इंजन 101 HP दमदार इंजन के साथ जाता है। बाकी यहाँ पे जो इसका साइलेंसर है, ये लोडर ऊपर पर बता दूँ, इस पर चढ़ने के बाद ना ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं सेकेंड फ्लोर पर चढ़ा हूँ। और काफ़ी ऊंचाई पे हमें महसूस हो रहा है, जामुन का पेड़ है, बाकी टोटल एक व्यू है। अब हम लोग चलते हैं कटर के पास में, यानी कटर के बारे में बताते हैं। कटर ये जो है आपको लगा कर नहीं चलती है, कटर के पीछे अपने ढोती है, ठीक है। और फ्यूल टैंक देखिए यहाँ से लेके ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है 260 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आप लोग बड़ा बड़ा ड्रम होता है उसमें आता है फ्यूल टैंक, देखिए इतना बड़ा आपका है। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है हवा प्रेशर के लिए। जैसे हमारी गाड़ी में जो है ना, एक अलग से मैंने एयर ब्लोअर लिया, लेकिन इसमें एयर ब्लोअर जैसे आपका हवा में कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 decibel 100 decibel तक आपका हवा आता है, ठीक है। तो इसे खोल कर अपनी गाड़ी को सफाई कर सकते हैं और ट्रक जब अपने चक्के में हवा दे सकते हैं। और बाकी जो है स्टेयरिंग जो है पिछले चक्के से स्टेयरिंग आपका ये मुड़ता है। और सेकेंड वाला जो है आपका 9016 का टायर आपका आता है। और यहाँ से जो देखते हैं ना, जैसे गेहूँ नीचे गिरता है तो ये जाके ऊपर आपकी टंकी में इसे जो चढ़ाता है, यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी नीचे जो है आपका फैन, बहुत ही बड़ा फैन ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ ऐसा इसका लुक। अब हम लोग चलते हैं, यानी देखिए यहाँ पे जो है ना इसका एक्स्ट्रा यहाँ गिरता है, यानी बहुत ही बड़ा है भाई साहब। इसके अंत में जैसे गिरता है तो ऐसे चलता है आपका, अनाजे नीचे चली जाती हैं, बाकी भूसा जो है आपका पीछे गिर जाता है। ऊपर देखिए ये सब जो है जिगजैग करते हैं ऊपर नीचे, जैसे है ना जिगजैग, तो ये ऊपर नीचे डप डाउन करते रहते हैं। और अंदर का लुक कैसे देखिए, कुछ यूं है। और पीछे देखिए आपका यहाँ पे इसमें भी एक लाइट लगा हुआ है। अब हम लोग कटर की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसका कटर है, इसका कटर बार अंदर में ना 14 फुट है, लेकिन बाहर का आप लेंगे ग्राउंड पूरा ऑन रोड तो 16 फीट का ये कटर आ जाता है। और कटर में जो है आपके देखिए रीपर आपके लगे हुए हैं, और काफ़ी लंबा है। बारिश हुई है, पत्ते गिरे हैं, तो इसलिए जो है आपका बहुत गंदा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में इतना गंदा नहीं है। और बाकी इसे लगाने के लिए ये जो आपका है ना, इससे पीछे लगा के स्टैंड ये जो है आप हटाएंगे जैसे इसको, तो आपका ये हट जाएगा और अपने मशीन में लगा के इसे बाकी कटर आपके लग जाएगा। बेल्ट जो है आपके सब बी बेल्ट का ही कमाल है, बी बेल्ट का ही ये सब टोटल अकेले ही, यानी यहाँ पे जो है ना जमीन समतल नहीं है, फिर भी देखिए पावर लगा के घुमा दिए। सबसे खास इसमें देखिए ना, जो रील आपका ऊपर है ना,
जिसमें टेन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर जैक लगा है। जैसे आपके सरसों की फसल बड़ी बड़ी होती है ना, तो नीचे काटना रहता है तो रील रुक जाता है, बाकी यहाँ पे प्रेशर लगा के आप ऊपर हो जाती है, तो सरसों आप नीचे से गिरा हुआ सरसों उठा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सब बेल्ट लगा हुआ है, यहीं से अटैच आपका जाता है दो गुल्ली इसमें लगा के। तो इतना रहा इसका रिव्यू। ये बताइए कि जैसे किसी को कटवाना है तो क्या रेट से कटती है गाड़ी से? ये 1200 रुपया बीघे के रेट से कटेगी। बीघे के 76 46 40। अच्छा ये बताइए, आज की वीडियो में बस इतना ही। करतार 4000 को आप लोगों ने फर्स्ट रिव्यू लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया चीज़ देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और लास्ट में आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी राय, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।